महंगाई राहत शिविरों में अब सद्भावना सांस्कृतिक संध्याओं का होगा आयोजन। पंचायती राज विभाग द्वारा स्थानीय कलाकारों को उक्त संध्या में आमंत्रित किया जा रहा है एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी कलाकारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी महंगाई राहत कैंपों एवं प्रशासन गाँवों के संघ शिविर स्थल पर ही करवाया जा रहा है। सोमवार शाम को पंचायत समिति के तालियाना ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालियाना के परिसर में स्थानीय कलाकार इंद्र सिंह राठौड़, नरेश आकवा, नगाराम बस्ताराम, शंकरलाल ने सांस्कृतिक सद्भावना संध्या में अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों को जागरूक किया। पंचायत प्रसार अधिकारी रेसाराम सुंदेसा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर योजनाओं से रूबरू करवाया जा रहा है। सद्भावना संध्या के तहत लोक कलाकारों ने गांधी जी के प्रिय भजनों, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित गीतों, संविधान उद्देश्य वासन, सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले गीतों एवं भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी मोहन सिंह, रोजगार सहायक भाव सिंह आकुआ, कोजाराम, गोपाराम, जवाहरराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। छोटा मोटा टाबर सालो महंगाई रात कैंप में, छोटा मोटा टाबर सालो महंगाई रात कैंप में, सरकारी योजना रो लाभ लेवो कैंप सो, सरकारी योजना रो लाभ लेवा कैंप। आज ग्राम पंचायत तालियाना में सद्भावना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कल ग्राम पंचायत तालियाना में महंगाई रात कैंप है और उसकी पूर्व संध्या पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था उसमें ग्रामीणों की बहुत ही अच्छी भागीदारी रही और ये छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत ही शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। और जो भी कल महंगाई रात कैंप आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। गीतों के माध्यम से प्रत्येक योजना के बारे में अलग अलग से जानकारी दी गई, नृत्य के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसमें सभी ग्रामवासियों की बहुत ही शानदार भागीदारी रही। सरपंच साहब और सभी ग्राम विकास अधिकारी जी और ग्रामवासी उपस्थित रहे, बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। सद्भावना सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सद्भावना सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो भी कल जो महंगाई रात कैंप आयोजित होने जा रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जो कला और संस्कृति विभाग है उनका ये उद्देश्य है कि जो गांव के जो ग्रामीण लोक कलाकार है उनको एक स्टेज प्रदान किया जाए और उनका पंजीकरण किया जाए ताकि वो जो उनको बड़ा स्टेज मिले और अपनी प्रतिभा निखर सके। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छुपी हुई प्रतिभा है लोक कलाकारों की उनको स्टेज प्रदान करने के लिए भी इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। अरे डबोड़ो मार गियो अम्बे झवेरे देसाने, डबोड़ो मार गियो अम्बे झवेरे देसाने, जी मनो लोया